नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा अंधेरे में वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, यार उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन अभी मेरे पास कुछ शॉकिंग पिक्स आई हैं, ऐसी पिक्चर्स आई हैं जिनमें नेक्सॉन और फॉर्च्यूनर का जो है एक्सीडेंट हुआ है फ्रंट टू फ्रंट, और उसमें नेक्सॉन की क्या हालत हुई है, फॉर्च्यूनर की क्या हालत हुई है, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूँ। अब नेक्सॉन आती है लगभग जो मेरे पास है, आप लोग सब लोग जानते होंगे नेक्सॉन का क्रेज मॉडल मैं रखता हूं, तो नेक्सॉन का क्रेज मॉडल जो कि 9 लाख रुपए तक आता है वो, और फॉर्च्यूनर जो कि 27 लाख से स्टार्ट होती है और जाती है लगभग 38-40 लाख तक। उन दोनों गाड़ियों का, 38 लाख वाली गाड़ी और 9 लाख वाली गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, बड़े ही शॉकिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, प्लीज बने रहिएगा। तो चलिए कुछ फोटोज शेयर करता हूँ आपको एक्सीडेंट वाले, उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि हुआ क्या होगा। तो दोस्तों ये वाला फोटो आप देख लीजिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से कि नेक्सॉन का क्या हाल हुआ है। हाँ, लेफ्ट साइड का जो कंडक्टर साइड का जो बम्पर वगैरह है सब कुछ उखड़ चुका है, लेकिन अंदर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। अब इधर से दिखाते हैं फॉर्च्यूनर में। फॉर्च्यूनर यार 30-40 लाख रुपए की गाड़ी है, लगभग नेक्सॉन से 20% कम नुकसान हुआ है फॉर्च्यूनर के अंदर। हाँ, लेकिन साइज का भी तो मैटर आता है यार, साइज भी तो देखो गाड़ी का। अगर यहीं पे स्विफ्ट होती या फिर आपके पास होंडा सिटी होती तो क्या हाल हुआ होता दोस्तों, प्लीज वो चीज जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और दोस्तों एक 9 लाख रुपए की गाड़ी का, इतनी बड़ी गाड़ी को टक्कर देना यार बहुत बड़ी बात होती है। फॉर्च्यूनर वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी मानी जाती है वर्ल्ड वाइड, और वहां पे जाके नेक्सॉन टकरा जाती है फॉर्च्यूनर से। और हाँ, इसमें एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, फॉर्च्यूनर ने जो है 2 बार लुड़पुड़ी खाई है। लुड़पुड़ी आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कुछ फोटोज थे, पहले तो वीडियो क्वालिटी बिल्कुल खराब आ रही है ये मैं आपको बता दूं, मुझे भी पता चल रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूं यार। और ये जो इम्पैक्ट, तो दोस्तों ये जो इम्पैक्ट हुआ, ये जो एक्सीडेंट हुआ, इसमें कहीं ना कहीं नेक्सॉन की खासियत निकल के बाहर आती है कि हाँ नेक्सॉन ने अपना जो 5-स्टार रेटिंग वाला है वो पूरा काम किया। आप एक बात सोच के देखिए, जो फॉर्च्यूनर है दोस्तों वो नेक्सॉन से लगभग साइज में डबल हो जाती है, और डबल साइज होने का मतलब जब इम्पैक्ट होगा मतलब इतनी बड़ी गाड़ी इतनी सी गाड़ी से आगे टकराती है तो क्या होगा यार। फिर भी नेक्सॉन ने मच बेटर यार अपना काम किया। आप कमेंट सेक्शन में ही चीज बताइएगा मुझे, अगर स्विफ्ट होती, एक्सेंट होती, होंडा सिटी होती तो क्या हाल होता उन गाड़ियों का। नेक्सॉन झेल गई, लेकिन एक गारंटी लेता हूं जो फॉर्च्यूनर है वो होंडा सिटी या फिर स्विफ्ट के ऊपर से चढ़ के उतर जाती भाई साहब, टक्कर भी नहीं हो पाती ढंग में। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज यार, लेकिन नेक्सॉन इतनी बुरी गाड़ी नहीं है, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। सिर्फ टाटा के नाम की वजह से कुछ लोग दूसरी गाड़ियों पे स्विच कर जाते हैं, लेकिन ये वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगा है, आप नेक्सॉन ओनर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कुछ ना कुछ तो कहिए यार नेक्सॉन के बारे में। अभी गाड़ी लेके मैं जाता हूं, मैं गोवा गया था, मेरी गाड़ी पीछे से उस साइड से इधर टच हो गई थी एक ट्रक वाले से। डकार आ रही है भाई, खाना खा रखा है। अब उस साइड ट्रक वाले से टच हो गई हाईवे पे, मुझे लगा यार बाहरी स्क्रैच आ गया होगा, लेकिन जब मैं गाड़ी जाके बाहर उतर के चेक की तो भाई साहब माइनर स्क्रैच भी नहीं था। बिल्ड क्वालिटी मैटर्स करती है यार, बहुत मैटर करती है। और यहाँ पे दोनों गाड़ियों वाले सुरक्षित हैं, सबसे बड़ी तो बात यह है। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना यार, लाइक करने में कुछ नहीं आता, आप लाइक नहीं करते हो यार। जो भी मेरा भाई यहाँ पे जो मुझे दिल से प्यार करता है, प्लीज लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर भी करें, कहीं अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएं कि यार नेक्सॉन टाटा की हमारी इंडियन कंपनी है कि ऐसी गाड़ी भी लॉन्च कर सकती है जो टोयोटा फॉर्च्यूनर 30-40 लाख की गाड़ी को भी टक्कर दे सकती है। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।